Hi guys, this is Dr. Anjali. Welcome or welcome back to my YouTube channel and I hope guys are doing good today. तो फ्रेंड्स आज हम बात करने जा रहे हैं मेरा पर्सनल फेवरेट ई होल कॉम्बिनेशन, यानी कि ऐसा कॉम्बिनेशन, ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन का कॉम्बिनेशन जो आपके, अगर आपको ईयर ड्रम, यानी कि जिसे दोस्तों हम टिम्पैनिक मेम्ब्रेन कहते हैं, आपके कान के जो पर्दे होते हैं स्पेशली उसमें होल हो जाता है किसी भी कारणवश हुआ हो, तो होल को ठीक करने के लिए मेडिसिन उसे रिपेयर करने में बहुत ही ज़्यादा उपयोगी काम करती हैं। इनफैक्ट हम इसके कारण भी जानेंगे, यानी कि क्या कारण होते हैं जिस वजह से आपको जो है कान के पर्दे में जो है होल हो जाता है, छेद हो जाता है, या फिर कान के पर्दे फट जाते हैं, जिस वजह से आपको तमाम जो है सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, लक्षण आपको देखने को मिलते हैं। तो वो कारण के बारे में भी आज हम पूरी डिटेल में इस वीडियो में जानेंगे, साथ ही साथ होम्योपैथिक कॉम्बिनेशन भी जानेंगे जो आपको आज तक किसी ने नहीं बताया होगा। ऐसा बेहतरीन कॉम्बिनेशन मैं आपको बताऊंगी जो आपको यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा। तो ये वीडियो आप अंत तक जरूर देखिए, आपके लिए बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेटिव है। साथ ही साथ अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, नीचे रेड कलर का बटन है दबा दीजिए, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए ताकि आपको जो नए वीडियोस आएंगे उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी। इनफैक्ट आपको लाइक भी जरूर से जरूर करना है, अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, उन लोगों को पहुंचाइए जिन्हें इस वीडियो की जरूरत है, तो जरूर पहुंचाइएगा। तो लेट मी स्टार्ट इन द वीडियो। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं क्या कॉजेस होते हैं बिहाइंड आपके कान के पर्दे में छेद होने के, यानी कि ईयर ड्रम जो होता है उसमें होल होने के। तो इसके पिक्चर मैंने आपको स्क्रीन पर लगा दी है, आप देख लीजिए इस टाइप की कंडीशन होती है। तो सबसे मेजर जो कारण होता है दोस्तों वो होता है कि अगर इन्फेक्शन की वजह से, यानी कि आपका जो ईयर होता है इसके थ्री पार्ट्स होते हैं, एक इनर ईयर होता है, अंदर वाला ईयर होता है, एक मिडल ईयर बीच वाले ईयर का पार्ट होता है, और एक होता है एक्सटर्नल ईयर। अगर आपको मिडल वाले ईयर के अंदर इन्फेक्शन रहता है, चाहे किसी भी वजह से हो, उसमें फ्लूइड फिल्ड भर जाता है, फ्लूइड भर जाता है इन्फेक्शन की वजह से, तो उसके वजह से जो है आपको जो बाहर का जो पार्ट, जैसे कि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जैसे हम ईयर ड्रम कहते हैं, तो उसमें होल होने की चांसेस बहुत ज्यादा रिस्क बढ़ जाती है मिडल ईयर इन्फेक्शन होने की वजह से। सेकेंड कारण होता है दोस्तों आप लाउडर साउंड्स आप जो है रेगुलरली जो है सुन रहे हैं, रोज जो है आप ईयरपॉड्स का या फिर जो है आप ईयरफोन्स का यूज करते हैं, जिस वजह से लाउडर साउंड्स, ज्यादा आवाज वाले साउंड्स का अगर आप यूज करते हैं तो उस वजह से भी आपको जो है ईयर ड्रम में होल होने की चांसेस होती है। इसके साथ साथ दोस्तों अगर आपको इंजरी या ट्रॉमा हो चुका है, यानी कि चोट लग जाती है किसी वर्ष कान में, तो उस वजह से भी कान के पर्दे फट सकते हैं। कोई भी अदर फॉरेन ऑब्जेक्ट्स, जैसे कि कोई भी, जैसे कि हम कॉटन स्वैप कह लें, या फिर हम जो है पीन्स कह लें, या फिर निडल कह लें, जिस वजह से हम जो है ईयर वैक्स को रिमूव करते हैं, तो उसकी वजह से भी जो है दोस्तों कहीं ना कहीं टीयर हो सकता है आपके ईयर ड्रम में, आपकी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में, तो ये भी कहीं ना कहीं कॉज हो सकता है। तो मेन कारण जो है इन्फेक्शन की वजह से ही होता है, इसलिए आपको मेन ट्रीट जो करना है वो आपको इन्फेक्शन को खत्म करना है आपके मिडल ईयर में, जिस वजह से आपको ये जो प्रॉब्लम, साथ ही साथ जो लक्षण हम आप ये आगे बात करेंगे कि क्या क्या लक्षण होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इसके जो लक्षण बताऊंगी वो अकॉर्डिंग टू मेडिसिन के अकॉर्डिंग बताऊंगी, यानी कि जो ये होम्योपैथिक कॉम्बिनेशन मैं आपको बताऊंगी, तो इसके अंदर आपको टोटल जो है चार मेडिसिन ऐड करनी है। डाइल्यूशन का ध्यान रखिए दोस्तों, डाइल्यूशन का कॉम्बिनेशन आपको बताना है, लिक्विड फॉर्म में आपको ये कॉम्बिनेशन बनाना है, कैसे बनाओगे वो भी हम इस वीडियो में जानते हैं। तो सबसे पहला जो सिम्टम्स लक्षण होता है अगर आपको ईयर ड्रम में होल होता है, तो उसके लक्षण आपको देखने को मिलते हैं कि जैसे आपको टाइनाइटिस जैसी प्रॉब्लम होगी, डिफनेसनेस होगा, यानी कि आपको जो आप सुनाई आपको कम देने लग जाएगा, धीरे धीरे डिमिनिश्ड हो जाएगा हियरिंग, साथ ही साथ जो है आपको वर्टिगो हो सकता है, आपको चक्कर आ सकते हैं, आपको नोजिया वोमिटिंग हो सकती है, आपको उल्टी जैसा लगना या उल्टी हो भी जाएगी, ऐसी कंडीशन होती है। साथ ही साथ आपको जो है दोस्तों रिंगिंग इन ईयर, यानी कि आपके कान में आपको ऐसा सेंसेशन होगी जैसे कि कुछ आवाज आ रही है, रिंगिंग हो रहा है, चाहे वो विस्लिंग टाइप की हो, अदर अदर साउंड सुनाई दे रहे हैं, जिन जिन की आवाज आ रही है, तो ऐसी सेंसेशन होती है। इसके साथ साथ ऑटोरिया जैसी प्रॉब्लम होती है, यानी कि ईयर में से कहीं ना कहीं पस का डिस्चार्ज भी होने लग जाता है, कान का बहना जिसे हम कहते हैं, या फिर आपको ओटाइटिस मीडिया जैसी प्रॉब्लम, इन्फेक्शन रहता है वो प्रॉब्लम हो सकती है। ईयर में आपको पेन हो सकता है जिसे हम ओटोल्जिया कहते हैं, यानी कि कान में दर्द भी आपको हो सकता है उस वजह से। तो ये तमाम लक्षण होते हैं, अगर आपको ये लक्षण देखने को मिल रहे हैं तो आप बेशक जो है ये मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। पर ध्यान रखिए दोस्तों, जब भी हम मेडिसिन का कॉम्बिनेशन प्रिपेयर करेंगे तो आपको कैसे बनाना है, इन चारों ही मेडिसिन जो मैं आपको बताऊंगी इनको आपको इक्वल प्रोपोर्शन में मिलाना है,
एक तो हम होम्योपैथिक मेडिसिन का कॉम्बिनेशन मैं आपको बताऊंगी जिसमें चार होम्योपैथिक मेडिसिन हैं, साथ ही साथ आपको एक अलग से मेडिसिन भी बताऊंगी जिसे आप वीकली लेना है, यानी कि हफ्ते में आपको सिर्फ दो बार इसका इस्तेमाल करना है। और एक जो कॉम्बिनेशन है ई होल कॉम्बिनेशन, इसका नाम है ई होल कॉम्बिनेशन, लेबल जरूर लगा के लिखिएगा, और इसको आपको डेली इंटेक करना है। तो एक एक करके हम जो है मेडिसिन के बारे में जानते हैं। सबसे पहली जो मेडिसिन है जो आपको इस कॉम्बिनेशन में ऐड करना है दोस्तों, वो है हमारी साइलेसिया। ध्यान रखिए आपको हमेशा पोटेंसी जो लेना है वो आपको 200 पोटेंसी में लेना है, सारे ही डाइल्यूशन को साइलेसिया 200 लेना है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर डाल दूंगी सारी ही मेडिसिन की। खरीदना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे है, वहां से आप खरीद सकते हैं बेशक, बहुत अफोर्डेबल प्राइस की। मेनली साइलेसिया बहुत अच्छी मेडिसिन होती है, सपोरेटिव की तरह काम करती है, यानी कि अगर आपका कान जो है बह रहा है, ऑटोरिया की समस्या हो, इन्फेक्शन हो आपके मिडिल ईयर में, उसके लिए स्पेशली डिस्चार्ज ऑफ पस हो रहा है तो उसको खत्म करने के लिए साइलेसिया बहुत अच्छी मेडिसिन है, तो आपको ये लेना है। साथ ही साथ अगर आपको टाइनिटिस जैसी प्रॉब्लम देखने को मिल रही है कान में, एक झुनझुन जैसी या फिर जिन जिन करके ऐसी आवाज आ रही है, रिंगिंग्स इन द ईयर्स, तो उसके लिए भी साइलेसिया बहुत अच्छी है। सेकेंड जो आपको मेडिसिन इसमें ऐड करना है दोस्तों, वो है आपको कैल्केरिया सल्फ ऐड करना है। कैल्केरिया सल्फ भी आपको 200 पोटेंसी में लेना है। आप बेशक जो है रेक्विक कंपनी की ला सकते हैं या फिर आप जो है एसबीएल कंपनी की ले सकते हैं, शॉबे कंपनी की ले सकते हैं, बहुत अच्छी कंपनी है, इनकी आप परचेस करें मेडिसिन, लिक्विड फॉर्म में परचेस कीजिए, चाहे तो आप चारों ही मेडिसिन को परचेस कर लीजिए, उसके बाद जो है एक खाली बॉटल आप जरूर लाइएगा, उसके अंदर इन चारों ही मेडिसिन को आपको इक्वल मात्रा में, बराबर मात्रा में आपको मिलाना है, ये चीज का भी ध्यान रखिए। और ये जो कैल्केरिया सल्फ 200 मेडिसिन होती है स्पेशली, ये भी सपोरेटिव की तरह काम करती है, इन्फेक्शन को खत्म करती है, डिस्चार्ज आपके कान में से हो रहा है लेकिन वो बहुत ज्यादा कभी कभी उसमें से ब्लड भी आता है तो वो के लिए भी अच्छी है, उसकी वजह से आपको डिफनेसनेस होने लग गई है, आपको सुनाई भी थोड़ा कम हो गया है, तो उस कंडीशन के लिए कैल्केरिया सल्फ अच्छी है। साथ ही साथ ये जो ईयर होल हो जाता है तो उसे रिपेयर करने में भी बहुत ही ज्यादा मददगार है, तो ये मेडिसिन को भी आपको जो है इस कॉम्बिनेशन में ऐड करना है। थर्ड जो मेडिसिन है जो आपको इसमें ऐड करना है दोस्तों, वो है हमारी कैल्केरिया फ्लो 200। अब नेक्स्ट मेडिसिन हमारी कैल्केरिया फ्लो 200। ये मेडिसिन स्पेशली कैल्केरियस डिपोजिट हो जाता है अगर आपकी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, आपकी ईयर ड्रम जो होता है, कान के पर्दे जो होते हैं, उसमें किसी भी टाइप का डिपोजिशन, एक्स्ट्रा डिपोजिशन हो। नेक्स्ट मेडिसिन है हमारी पल्सिटिला 200। पल्सिटिला जो मेडिसिन है 200 पोटेंसी में आपको इसे लेना है। ये मेडिसिन भी तो दोस्तों सपोरेशन के लिए अच्छी है, साथ ही साथ लेकिन एक खास बात है इसमें कि जो डिस्चार्ज होता है कान में से वो बहुत येलोइश कलर का, थिक सा, एकदम गाढ़ा सा, एकदम येलोइश कलर का डिस्चार्ज होता है, समटाइम बहुत ज्यादा ऑडर वाला होता है, इसमें से स्मेल भी आती है, और साथ ही साथ कान आपका बहुत ज्यादा दर्द भी हो रहा है, उसमें सूजन है, रेड एंड सोलन हो गया है, इन्फ्लामेटेड ईयर है, उस कंडीशन में पल्सिटिला का बहुत अच्छा काम होता है। रात में स्पेशली नाइट में, रात में बहुत ज्यादा कान में दर्द रहता है एंड जो है आपको डिफनेसनेस होने लग गई है, सुनाई भी थोड़ा कम देने लग गया है, तो उसमें भी आपका पल्सिटिला का रोल है। अब आपको कैसे ये ई होल कॉम्बिनेशन बनाना है, सबसे पहले खाली आप फियाल जरूर लाइएगा और उसके अंदर एक खाली बॉटल 30 ml की आप ला सकते हैं, उसके अंदर इन चारों ही जो मेडिसिन है 200 पावर में, तो आप इसे खरीद लीजिए या फिर होम्योपैथिक शॉप पे आप जाते हैं तो वहां पर भी उन्हें बोल सकते हैं कि आपको ये मेडिसिन जो है मिक्स करके दे दें एक खाली बॉटल के अंदर, तो वो आपको वहां पर भी बना के दे सकते हैं, या फिर आप अगर सेफली बनाना चाहते हैं, खुद से बनाना चाहते हैं, तो घर पर मेडिसिन ले आइए, लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन पर डाल दी है, तो आप इसको बनाइए, चारों मेडिसिन को बराबर मात्रा में मिक्स कीजिए और कंटिन्यूसली आप शुरुआती इनिशिएट कंडीशन में आप जो है इसे जो है चार बूंद इसकी इस कॉम्बिनेशन के आपको दिन में 3 बार उपयोग करना है, डेली लेना है, रोज लेना है, 4 बूंद डायरेक्टली आपके टंग पे डाल के दिन में 3 बार सुबह, दोपहर, शाम लेना है, और इनिशियली आप जो है 1 से 2 महीने कंटिन्यू कीजिए, अगर आपको अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं तो आप कंटिन्यू आप इसे 3 से 4 महीने भी कर सकते हैं, जब तक आपकी पूरे सिम्टम्स खत्म ना हो जाए, आपकी प्रॉब्लम सोल्व ना हो जाए। और इसके साथ एक मेडिसिन आपको जरूर लेना है, वो है दोस्तों ट्यूबरकुलिनम 1 ml, यानी कि ट्यूबरकुलिनम मेडिसिन आपको 1 ml पोटेंसी यानी कि 100 CH में लेना है। स्पेशली इसके अंदर एक लाइन लिखी है इस मेडिसिन में कि अगर आपके टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में कहीं पर भी अगर होल है तो उसके लिए ये बहुत अच्छी मेडिसिन होती है, इसे रिपेयर करने में, जल्दी जल्दी ठीक करने में मदद करती है। लाइन है कि परफोरेशन यानी कि होल है इन द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में और साथ ही साथ रेड एजेस हैं उसकी, यानी कि खुदरी खुदरी ऐसी रेजेस हो रही हैं उसकी मेम्ब्रेन की, उस कंडीशन पे ये मेडिसिन बहुत
उपयोगी है, तो इसे आपको वीकली लेना है। ट्यूबरकुलिनम 1 ml की आपको दोस्तों जो है इसकी 4 बूंद जो है आपके जुबान पे डालना है, और ऐसे सप्ते में सिर्फ 2 ही बार लेना है। एक तो आप मंडे लीजिए और एक वेडनेसडे लीजिए, और बाकी जो कॉम्बिनेशन है उसे आप डेली लीजिए। तो इनका आप कम से कम उपयोग कीजिए 1 से 2 महीने के अंदर, और क्या रिजल्ट रहते हैं ये भी मुझे जरूर से जरूर बताइएगा। इससे एक्चुअली आपके जो सिम्टम्स होते हैं ना वो खत्म होंगे, जो लक्षण आपको देखने को मिल रहे हैं ये खत्म होगा, इन्फेक्शन खत्म होगा, तो जो होल है वो जल्दी जल्दी हील करेगा, जल्दी जल्दी ठीक होगा, क्योंकि इन्फेक्शन की वजह से वो उस चीज को जो है रिकवर नहीं करने देता है, हील नहीं करने देता है। तो ये कॉम्बिनेशन बहुत ही ज्यादा उपयोगी है, आप बेशक इसका इस्तेमाल कीजिए। और भी अगर कोई क्वायरीज हो आपको तो मुझे कमेंट्स बॉक्स पर जाइए, वहां पर आप मुझे कर सकते हैं, मैं आपका बेशक कोशिश करूंगी आपका जवाब का जो है उत्तर देने की। साथ ही साथ आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर से जरूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड कलर का बटन है जरूर जरूर दबा दीजिए। ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस मैं आपके लिए लाती रहती हूँ। साथ ही साथ आप मेरा चैनल विजिट कीजिए, वहाँ पर आपको ऐसे ही बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे, तो आप उसे भी जो है जरूर देखिएगा। और जरूर से जरूर आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट को भी फॉलो कर लीजिएगा, उसमें भी अलग अलग वीडियोस आपके लिए आते रहते हैं, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस होते हैं। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाइए, वहां पर आपको सारी मेडिसिन की लिंक भी मिल जाएगी, इनफैक्ट आपको इंस्टाग्राम अकाउंट की भी आपको लिंक मिल जाएगी, और अगर आप प्रिस्क्रिप्शन चाहते हैं, मेडिसिन का प्रिस्क्रिप्शन चाहते हैं, तो उसके भी आपको लिंक मिल जाएगी, उसके आप फिल करके हमें सेंड कर दीजिए, हम आपको प्रिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करवाएंगे। तो मिलते हैं जल्दी एक नए वीडियो में, टिल देन कीप स्माइलिंग एंड जय हिंद।